नगरी प्रशासन मंत्री रहे हैं, शायद ये कटाक्ष उन्होंने उस पर किया होगा, क्योंकि इतनी चिंता होती तो 15 महीने पर्याप्त होते हैं, लग जाते तो 15 दिन में बना देते। मेरे ख्याल से तो कोई निमंत्रण निकला नहीं था जो निरस्त की बात करे। कयास और चर्चा है, आज होगी या कल होगी, होगी तो जरूर। सर बड़ा संशय बना हुआ है सत्र को लेकर। हाँ, अभी अभी मैंने देखा कि डब्बू भैया कुशवाजी, सिद्धार्थ कुशवाजी भी पॉजिटिव हो गए। कल भी माननीय 2 विधायक पॉजिटिव आए थे। विधानसभा सचिवालय की भी 10-15 कर्मचारी अधिकारी हैं और कर्मचारी भी लगभग ऐसे हैं, ऐसे 49 लोग लगभग पॉजिटिव हो गए, विधायकों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को मिलाए। बैक कोरोना है, रिवर्स कोरोना है, आवश्यकता सावधानियों की तो है, लेकिन जब बैठेंगे सामूहिक रूप से तभी उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विधानसभा सत्र से बचने के लिए कोरोना का सहारा दे रही है। वो सज्जन सिंह वर्मा जिनने एक दिन में खत्म कर दी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट को बुलानी पड़ी थी विधानसभा, आपको ध्यान है? शीशे के घरों में रहने वाले पत्थर फेंक रहे, अचंबा ये है। अचंबा ये नहीं है कि होगी या नहीं होगी, अचंबा ये है कि जिनने ये जुर्म किया है वह कह रहे हैं, न्याय की बात वो कर रहे हैं। सर हार के डर से नगरीय निकाय चुनाव घटा रही है, हार के डर से नगरीय निकाय को पीछे कर रही है किए तो इनने नहीं थे चुनाव समय पे, चुनाव समय जब आया था तब इनने नहीं किए थे, तब इनने नियम बदला था, तब इनने कानून बदला था, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट किया था इनने। कातिल ने बचने का जब रास्ता निकाला, भीड़ में घुस के खुद ही पूछने लगा इसे किसने मार डाला। सर कांग्रेस पूछ रही है कि ट्रैक्टर ट्राली का जो 5 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंध लगाया गया है, वह किस नियम और किस कानून के तहत प्रशासन ने लगाया है? नियम कानून की प्रतियां दे देंगे उनको, पर अगर 15 महीने में ऐसा कुछ किया होता तो चार्टर में चलने वाले को ट्रैक्टर पे नहीं आना पड़ता, चार्टर में ही चल रहे होते। किसान से झूठ बोला, धोखा दिया, 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ, कर्जा माफ नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। एक किसान का भी 2 लाख माफ नहीं किया, आप ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। इसको अंग्रेजी में क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं, हिंदी में घड़ियालू आंसू कहते हैं। जिनकी मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष 75 के ऊपर हो, वो युवा समागम कर सकते हैं, अनुभवों का लाभ दे सकते हैं। सर कोर ग्रुप की बैठक कल जो हुई थी, कुछ विशेष उसके कुछ खास बिंदु? भारतीय जनता पार्टी में सदैव बैठकें होती हैं और मार्गदर्शन हम लेते रहते हैं वरिष्ठ नेतृत्व से। हमारा मानना ऐसा है कि जनता की सेवा करने के लिए अगर नए आइडियाज आते हैं तो लेते रहना चाहिए। उद्देश्य हर बैठक का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ही होता है। इससे पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें चर्चा हुई थी कि कोरोना की वैक्सीन में मिलावट की आशंका को देखते हुए उसकी सजा बढ़ाने का आदेश कारावास करने का प्रावधान था। अभी साइबर सेल में कुछ शिकायतें आ रही हैं जिसमें फोन पर कोरोना वैक्सीन को लेकर पैसे मांगे जा रहे हैं, ऐसी कोई कार्रवाई करेंगे क्या? बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, अगर कोरोना में मिलावट की कोई भी शिकायत आएगी जांच करेंगे, जांच में जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में तो ये आप तय मान के चलिए, कोई भी व्यक्ति हो चाहे कितना भी बड़ा हो, नियम यहाँ पर किसी ने अभी तोड़ा और कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश है, भाजपा की सरकार है, कानून का राज। उज्जैन सहित सभी जगह पर जो व्यक्ति भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उस पर कार्रवाई होगी। जाओ सभी फॉर्म में आजकल नहीं वही फॉर्म आप फुल फॉर्म में हो।